हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद ने बीए बीएससी बीकॉम यूजी सेमेस्टर 6 जिसका सेशन 2018 से 21 था, उन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के डेट कंफर्म कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सारी चीजों के बारे में, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट कब है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है, एग्जामिनेशन फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, क्या सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जो सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 5 तक कभी क्रॉस हुए हैं या जो प्रमोट हुए हैं, या सिर्फ पास स्टूडेंट भर सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो आपके मन में आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड चलने वाले सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के स्टूडेंट हैं और आप यूजी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आपको आपके मन में चल रहे एग्जामिनेशन फॉर्म से भरने के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, इस स्क्रीन पे मैंने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का सेमेस्टर 6 का जो ऑफिशियल नोटिस आया है उस नोटिस को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में हेडिंग में लिखा गया है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। ठीक है, यहाँ लिखा गया है बीए बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 6 जिसका सेशन क्या है 2018 से 21 ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने या जमा करने संबंधित सूचना। यानी एक बात तो पता चल गया कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा? एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको डिटेल्ड में बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेगा, अब बात करते हैं डेट का। देखिए लिखा गया है यहाँ बिना विलंब दंड शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में परीक्षा पत्र भरने या जमा करने की अंतिम तिथि कब से है जी? 24 जुलाई 2007 से लेकर 28 जुलाई, यानी आज 24 तारीख है ना, 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक बिना किसी लेट फाइन का आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 24 से 28। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 24 से लेकर 28 तारीख तक अगर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो उन्हें ₹500 लेट फाइन के साथ, जैसा आप यहां देख सकते हैं ₹500 लेट फाइन के साथ उसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। यानी 24 से लेकर के 28 तारीख तक आपको बिना किसी लेट फाइन का ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है। और दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ₹500 का लेट फाइन भरना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है थोड़ा केयरफुल रहिएगा और 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के बीच ही ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी साइबर कैफे में चले जाइएगा और वहां पर जाकर के एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए कुछ नोटिस के बारे में पहले बात करते हैं। नोटिस ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 अभी तक कर चुके हैं, अगर कोई स्टूडेंट से किसी सेमेस्टर में बैक हुए हैं या किसी सेमेस्टर में अगर उसको परमोट लगा है तो वैसे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक पास या प्रमोट है, सिर्फ वही सेमेस्टर 6 की परीक्षा पत्र भर सकता है। यानी कोई भी स्टूडेंट अगर वो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 में अगर किसी भी सेमेस्टर में अगर वो प्रमोटेड है वो भी भर सकता है, और 5 स्टूडेंट दोनों ही एग्जामिनेशन फॉर्म को जो है वो भर सकता है। क्लियर है? तो अगर आप किसी सेमेस्टर में आपको प्रमोट हुए हैं या आपको बैक लगा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी नॉर्मल अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन फॉर्म का कितना फी लगेगा। तो यहाँ देखिए, परीक्षा संबंधित शुल्क में यहाँ डिटेल में बताया है कि जो परीक्षा शुल्क है एग्जामिनेशन फी वो आपका लगेगा ₹600। ठीक है, अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो होगा
उसके लिए आपको पे करना होगा 50 रुपया। और आपका जो उपाधि प्रमाण पत्र है, क्योंकि आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है ना, तो सेमेस्टर 6 से आप अब निकल जाइएगा तो आप लोगों को एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसे ही उपाधि प्रमाण पत्र बोला जाता है। उसके लिए आपको 650 रुपया पेड करना है। फिर उसके बाद औपबंधिक, क्या देखिए यहाँ लिखा है औपबंधिक शुल्क, ये 150 रुपया, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म का 600 रुपया, एग्जामिनेशन फी 600 रुपया लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म 50 रुपया, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए 650 रुपया होगा, और जो बाकी सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए आपको 150। यानी बात करते हैं कि टोटल फी कितना लगेगा, तो टोटल फी लगेगा 1450 रुपया। क्लियर है, 1450 रुपया लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसे कोई कोई स्टूडेंट, जो मान लीजिए आप लोग तो अभी फ्रेश स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे सीनियर होंगे, बाकी सेशन के स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 6 में क्रॉस लगा था, और उन लोगों का जिनका सेमेस्टर 6 अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, वैसे स्टूडेंट को ये सारे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जिसका सेमेस्टर 6 में ब्रेक लगा था और वो इस साल यानी इस बार के एग्जाम में अपना सेमेस्टर 6 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या बोला है, जो छात्र या छात्राएं सेमेस्टर 6 में फेल हुए हैं उनको ओनली एग्जाम फी, सिर्फ उसको क्या भरना है जी, एग्जाम फी भरना है। कितने का? 650 रुपये का सिर्फ एग्जाम फी भरना है, बाकी कुछ भरने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यानी जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उन लोगों को टोटल 1450 रुपया लगेगा, और जो स्टूडेंट जिनका पहले क्रॉस लगा था 6 सेमेस्टर में उनका सिर्फ 650 लगेगा, ठीक है। बाकी जो वोकेशनल कोर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए BBA, BCA और जितने भी बाकी वोकेशनल कोर्स हैं, उन कोर्स के लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो होगा 1550 रुपया। किसके किसके लिए? BBA, BCA और बाकी वोकेशनल कोर्स के लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो 1550 रुपया है। उपाधि प्रमाण पत्र के लिए उन्हें 650 रुपया, और औपबंधिक शुल्क के लिए 150 रुपया। यानी BBA और BCA और बाकी वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट को टोटल यहाँ लिखा गया है 2350 रुपया पेड करना होगा। क्लियर है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ शब्दों में कुछ नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी ये जो डेट है, आपको उसी डेट के अंदर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर देना है, ठीक है। और ये कॉलेज के लिए है कि आंतरिक परीक्षा के अंक परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। ये इंटरनल एग्जाम के बारे में कुछ कुछ चीजों को बताया गया है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। देखिए, सेमेस्टर वन से लेकर के सेमेस्टर फाइव तक का एडमिट कार्ड और मार्कशीट जरूर लेते जाइएगा। चाहे आप पास हैं, चाहे आप प्रमोट स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, सेमेस्टर वन से लेकर के सेमेस्टर फाइव का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर किसी सेमेस्टर का जिसका एग्जाम नहीं हुआ था, अगर उनका एडमिट कार्ड होगा तो अच्छा है, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ऑनलाइन अगर एडमिट कार्ड आपने निकाला है या ऑनलाइन मार्कशीट निकाला है उसको जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। साथ में आप अपना फोटो लेकर के जाइएगा, ठीक है। फोटो के बाद आप अपना एक पेन लेकर के जाइएगा, क्योंकि जब आप कैफे में जाइएगा तो आपको फोटो लगेगा, वहां आपका सिग्नेचर लगेगा और आप ये पेमेंट कर दीजिएगा। और कैफे में जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो रिसीविंग लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो रिसीविंग है उस रिसीविंग को आपको जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा इसके बाद कॉलेज में जाके आपको उस रिसीविंग को जमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस फॉर्म को भरने के बाद जो आपको कैफे से जो रिसीविंग मिलेगा उसका 1-2 जेरोक्स करके आप जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इस तरीके से है। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ कॉलेजेस इस ऐसे हैं जहां पे अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है सेमेस्टर 6 में, तो जिन कॉलेजेस में सेमेस्टर 6 का एडमिशन नहीं हुआ है, हो सकता है वैसे कॉलेजेस में पहले एडमिशन के लिए जो फी है वो अलग से चार्ज किया जाएगा और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इसका फी अलग से चार्ज किया जाएगा। और जिन कॉलेजेस में 6 सेमेस्टर का एडमिशन हो गया है उन्हें सिर्फ अभी मैंने जितना फी बताया उतने में लगेगा। क्लियर है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया, मेन हाइलाइट पॉइंट्स। तो बताया BBA, BSc, BCom सेमेस्टर 6 का जिनका सेशन 2018-21 है, उन लोगों का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 6 का है वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा, डेट कब तक है, विदाउट लेट फाइन 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक है, और उसके बाद 28 जुलाई के बाद लेट फाइन 500 रुपया करके लगेगा 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक।
डेट कंफर्म हो गया। दूसरा, कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं फॉर्म को, तो वैसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर फाइव तक या तो पास हैं या किसी भी सेमेस्टर में अगर प्रमोट हैं तो वो स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, यानी दोनों स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। अब एग्जामिनेशन फॉर्म टोटल कितना फी लगेगा, तो टोटल बता देते हैं। टोटल फी जो है बीए बीएससी बीकॉम के जो नॉर्मल स्टूडेंट है ऑनर्स और जर्नल, उन लोगों का फी लगेगा टोटल 1450 रुपया, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही सेमेस्टर सिक्स के एग्जाम दिए थे और उनका क्रॉस लग गया था, उनको सिर्फ एग्जाम फी लगेगा 650 रुपये का। क्लियर है। अब बीए बीबीए बीसीए और बाकी जो वोकेशनल कोर्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फी लगेगा, टोटल फी लगेगा 2350 रुपया। क्लियर है। तो ये जो डेट है उसी डेट को आपको फिल कर देना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आपको कैफे जाना है, सेमेस्टर वन से लेके सेमेस्टर फाइव तक का एडमिट कार्ड और मार्कशीट जरूर लेकर के जाइएगा, चाहे पास हो या प्रमोट मार्कशीट लेके जाइएगा। इसके बाद आप अपना फोटो लेकर के जाइएगा, सिग्नेचर करने के लिए पेन लेकर के जाइएगा और पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलेगा आप उस रिसीविंग को संभाल के जरूर रखिएगा और उस रिसीविंग का एक दो जेरोक्स अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि जब सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस रिसीविंग को आपको कॉलेज में ऑफलाइन जाकर के जमा करना होगा। आई होप आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। बाय, टेक केयर।